दोस्तों, अगर आपको भी कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है और आप सोचते हो कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मुझसे कोई मिस्टेक हो जाएगी क्या, लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसी मेरी वीडियो लगेगी, ये सब अगर आप सोचते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आप कैमरे के सामने शेर बन जाओगे और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों का प्रमोशन करने वाला हूं। जितने भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं, दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जैसे ही मुझको यहाँ पर स्वाइप अप का ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर मैं लोगों के यूट्यूब चैनल प्रमोट करूँगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्रमोशन करना बहुत ही ईजी है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मानता हूँ कि कैमरे के सामने आने में हिचकिचाहट होती है, पहली बार कुछ बोलना फिर पब्लिक के सामने रखना बहुत अजीब सा लगता है। मेरे भाई, मैंने भी जब पहली बार कैमरे के सामने आया था तो मुझे भी डर लगा था कि भाई क्या बोलूँगा, क्या कुछ अच्छा दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, ऐसा कुछ आया था। लेकिन मैंने भी सोचा चलो यार ठीक है, कम से कम मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, कुछ ना कुछ चलो सीखने को तो मिलेगा। कौन सा यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, कौन सा यहाँ पर रिज़ल्ट निकलना है, कौन सा यहाँ पर जो है मेरे को कोई पेमेंट देना है, कुछ ऐसा कोई वही नहीं था। यहाँ पर जो मेरा कंपटीटर था वो मैं खुद था। ये जंग मेरी थी मेरे से, और यहाँ पर मुझको अपने आप पर काबू करना था। मैंने कहा अपने आप से कि यार ठीक है चलो डाल देते हैं, बहुत सोच लिया, चलो डाल देते हैं। हर वो काम जो आप सोचते हो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, वास्तव में बताऊँ दोस्तों, आगे चल करके उसी काम में आप महारथी होते हैं। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम लोग बचपन में दूसरों को साइकिल चलाते वक्त देखते थे और सोचते थे कि अरे ये साइकिल मैं भी चलाना चाहता हूँ, मैं कैसे चलाऊँ, अगर चलाऊँगा तो गिर ना जाऊँ, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोगों ने उठाई साइकिल, जब पापा नहीं थे घर में या चाचा नहीं थे या भैया नहीं थे, उनकी साइकिल उठाई और चल दिए ले करके। कैसे कैसे करके कोई पीछे मिल गया और उसने बोला मैं पकड़ लूँगा, तुम चलाओ पैडल मारो, फिर उसके बाद वो छोड़ देता है साइकिल पीछे से और हमको पता भी नहीं चलता, फिर भी हम लोग बेशक से आप चला रहे होते हैं साइकिल को। फिर जब जैसा ही लगता है अरे पीछे कोई नहीं है, तुरंत साइकिल उधर और हम उधर। यहाँ पर जो लड़ाई है अपने आप से है, यहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं आपका, ना ही यहाँ पर कोई एग्ज़ाम चल रहा है, कोई परीक्षा नहीं देनी है भाई। दोस्तों, कुएं का मेंढक अगर ये सोच ले कि बाहर कैसे निकलूं, पता नहीं क्या हो, ये गलती मैं नहीं करूंगा, तो क्या वो कभी इतनी सुंदर दुनिया देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। दोस्तों, गलती कर दो, गलती करनी चाहिए। आप जब अपनी वीडियो डालोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने यहाँ फॉल्ट किया है। कम से कम कुछ सीखोगे तो। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, सुजान यानी सज्जन। अभ्यास करते रहिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। फिर भी दोस्तों, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बोलने का, कैमरे के सामने आने का इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको कोई दवा दे दूँ और आप पी लो और घट 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 सब आने लगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा आपका जिसे आप जानते होगे और उससे आप बहुत बेधड़क आप आराम से बात करते हो, या फिर हो सकता है वो कोई दोस्त हो आपका, या फिर घर में आपकी बहन हो, या फिर आपका भाई हो, बस उसी को आप इमेजिन कर लो। या फिर अगर आप एक टीचर हो तो आप उस बच्चे को आप इमेजिन कर लो जिसको आप अच्छे से समझा पाते हैं। कक्षा 3 यानी 3rd क्लास का कोई बच्चा हो, ऐसा आप ऑडियंस को समझो और अपनी बातें शेयर करो। बहुत आसान है, भूल जाओ कि सामने मोबाइल है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, हो सकता है अगर आप टेक यूट्यूबर हो तो आने वाले समय में आप सबसे बड़े यूट्यूबर बन जाओ, बहुत बड़े टेक यूट्यूबर बन जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, बशर्ते वो आने से हिचकिचाते हैं।
दोस्तों ये छोड़ो, कुछ ऐसा नाम कमा लो, अपनी पहचान बना लो कि दुनिया भी याद रखे कि कौन था बंदा ये। दोस्तों यही वक्त है दौड़ने का, यही वक्त है शुरू करने का। आप स्टार्ट करो, पहला कदम उठाओ, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। दोस्तों शुरू करो, बस आप क्या करो, कैमरे के सामने हो या फिर शीशे के सामने हो, कुछ न कुछ बोलते रहो, कोई न कोई कहानी दिमाग में चलाते रहो, आइडियाज़ आने लगेंगे, प्रयास तो करो। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था हमारे चैनल पे, किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, कैमरे के सामने मैं कैसे आऊँ। वो सब्सक्राइबर ने ये जब बात बोली तो मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा। दोस्तों ये हकीकत नहीं है, ये डिजिटल इंडिया है, नया जनरेशन है, यहाँ पर लोगों को कंटेंट चाहिए, आपकी नॉलेज चाहिए। यहाँ पर कोई हीरो का कोई रैली नहीं निकलने वाली, ना ही कोई यहाँ पर कोई स्टार बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हीरोइन बनने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप टेक चैनल चलाते हैं या फिर कोई एजुकेशन का चैनल है, तो आप सिखाना चालू करो, आपका जो कीमती ज्ञान है उसको दुनिया के सामने ले करके आओ। और उठाओ मोबाइल, नहीं ज़रूरत है किसी DSLR की, नहीं ज़रूरत है एक बढ़िया माइक की, आप कैमरा, आपका जो कैमरा है, आपका जो हेडफोन है, यही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। हाँ एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जो माइक होता है उसको ज़्यादा मुंह के पास नहीं रखने का, थोड़ा सा दूर। देखो जैसे कि मैंने टी शर्ट के अंदर यहाँ पर माइक रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा मैंने इसलिए रखा है ताकि जो एक तो कपड़े के अंदर है तो जो बाहर से जो नॉइज़ आ रही है वो भी फिल्टर हो रही है, और थोड़ा दूर है तो थोड़ा अच्छी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है। तो ऐसे आपको शुरुआत करनी है दोस्तों, कभी भी मत हिचकिचाओ कि कैमरे के सामने ना बोल पाया, गलत कुछ बोल दिया। अरे भाई कम से कम बोलने की प्रैक्टिस होगी। दोस्तों जब मैंने इस चैनल को बनाया तब मैंने ये सोच करके बनाया था कि दूसरों की सहायता करूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है दिल से जब मैं किसी की सहायता करता हूँ, किसी की हेल्प करता हूँ, सहायता करूँगा अपने देसी लैंग्वेज में, अपने एक दोस्त की तरह समझाऊँगा, आपका एक दोस्त बनूँगा, और मैं ऐसे ही अपने ढेर सारे दोस्त बनाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अरे सत्यम जी आप वही हो जो YouTube पर आपको देखा था। बहुत लोग ऐसे मुझे, जब मैं कानपुर जाता हूं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये सब आपको भी मिलेगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, बशर्ते कैमरे के सामने आइए और अपना जो कीमती ज्ञान है उसे आप दुनिया के सामने शेयर करिए, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर लोग सूरत नहीं देखते, सीरत देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह आपकी सहायता करता रहूँगा, इसी तरह वीडियोस लाता रहूँगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।